1.3 चल रही थी सेवन्थ क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 आज हमने करने। 7 में हमें कहा गया, कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस। अगर एक नंबर यह है तो दूसरा निकालें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जी, दो रकमों को ज़रब करो ना तो 10 आता है, ठीक है? छोटी रकम से चीज़ समझ आ जाती है। दो रकमों को मल्टीप्लाई करें तो, यानी प्रोडक्ट करें तो 10 आता है। अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा निकालो। अब देखें, जो प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब करके आना। अब हम देखेंगे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई किया था हमने, कि 10 बनता है। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो फिर बनता है 10, यानी 5 वो दूसरा नंबर है। लेकिन मैथ में हम किस तरह करेंगे, हम इस नंबर को कह लेंगे कि ये कोई भी नंबर है, मल्टीप्लाई। अब उसने कहा है कि 10 आएगा और एक नंबर 2 है, तो मैं 2 को इधर आकर डिवाइड कर दूं तो ये देखे 5 आ गया। यानी कि अगर हमें कहा गया हो कि दो नंबरों का प्रोडक्ट दिया गया और एक नंबर दिया गया तो दूसरा बताएं, तो वो डिवाइड वाला सवाल होगा। आगे सिचुएशन समझ, प्रोडक्ट उसने दिया हुआ है और कह रहा है एक नंबर यह है, दूसरा निकालो तो डिवाइड करने से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोडक्ट वो क्या है, -1/10, 1 नंबर, एक नंबर जो है वो है ये। अब हमने क्या निकालना है, सेकंड नंबर। तो पहली रकम उसको डिवाइड कर देंगे इस दूसरी रकम से, ठीक है? तो अब देखें, ये है -1/10, 1, 2, 3, 4, ऐसे चार में आ जाए ना जब, तो नीचे वाली रकम जब हम ऊपर लाते हैं ना तो वो उल्ट होके आती है। मतलब 3/5 था तो ये बन जाएगी 5/3, ठीक है? माइनस और माइनस जमा हो जाएगा, 5, 1, 5, 5, 2, 10, और इधर आ जाएगा 1/3। तो ऊपर 1 को 1 से करेंगे 1, नीचे 2, 3, 6। ले जी, ये दूसरा नंबर है, समझ आ गई? इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि -1/10 डिवाइडेड बाय -3/5, बनना यही था फिर भी, ठीक है? तो ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है जी? उसने हमें कहा था कि प्रोडक्ट ये है, एक नंबर ये, दूसरा निकालो तो वो डिवाइड करने से आता है। ये आपको सिचुएशन समझ लेनी है आप, कि जब भी कहेगा कि प्रोडक्ट है और एक नंबर दिया तो दूसरा डिवाइड करने से आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, बाय व्हाट रैशनल नंबर वी शुड मल्टीप्लाई दिस टू गेट दिस। अब देखें, मसला वही है, ठीक है? कहता है कि हमें ये जवाब चाहिए, मतलब जवाब दिया हुआ है ऐसे, प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट है, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा बताओ। ओके, अगर हम इस सवाल को समझें ना, ये जो हमने किया है, अब एक नंबर ये था और दूसरा ये था, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो देखें ये वाला आता है कि नहीं, 1/6 × -3/5, 3, 1, 3, 2, तो -1/10, ये देखें आ गया ना प्रोडक्ट। यही वो कह रहा है ये प्रोडक्ट है, यानी गेट ये करना है, ये प्रोडक्ट है, एक नंबर ये, दूसरा बताओ। सेम सिचुएशन है, मल्टीप्लाई वाला सवाल, डिवाइड वाला, डिवाइड करेंगे इसको इससे और जो नंबर आएगा वो दूसरा नंबर आएगा। मैं सेम वही लिखता हूँ, प्रोडक्ट क्या है, -3/7, 1 नंबर क्या है, वही सेम सिचुएशन बना दिए, 15/14, ठीक है? निकालना क्या है, सेकंड नंबर, सेम वही मैं कुछ लिख लूँ सेकंड नंबर। तो पहली ये प्रोडक्ट है, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, तकसीम -15/14, तो -3/7, इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, सेम टेबल से कटिंग होती, माइनस और माइनस जमा आ जाएगा, 3/7, 14/15। अगर सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हो तो कर लेते हैं, 7, 2, 14, 3, 5, 15, तो ये आ जाएगा 2/5, ठीक है जी?
अब अगर मैं इसको चेक करूं कि यही वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिलता है, तो एक नंबर ये है, दूसरा ये, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -15/14, ये करना नहीं है वैसे बता रहा हूँ। 5 3s are 2 7s are, तो ये देखो -3/7, इसका मतलब है ये हमारा ठीक है। ओके जी।